चंदौली जिला अस्पताल के इमरजेंसी के डॉक्टर दिनेश सिंह पर 20,000 रुपए लेकर फेक मेडिकल बनाने का आरोप लगा है। दो पक्षों में हुए विवाद में एक पक्ष से पैसे लेकर फेक मेडिकल बनाया है। डॉक्टर साहब रेस्ट रूम में मेडिकल रिपोर्ट बना रहे थे, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वहीं डॉक्टर से पूछे जाने पर डॉक्टर साहब ने सफाई देते हुए कहा कि भीड़ ज़्यादा होने के कारण रेस्ट रूम में मेडिकल बना रहा था, हमने किसी से कोई पैसा नहीं लिया है। देखिए हमारे संवाददाता चंदन सिंह की रिपोर्ट। जैसा कि अभी हमने देखा वायरल वीडियो में, वो जो उसका मेडिको लीगल का हमने काफ़ी भी देखा है, उसमें कोई खास इंजरी नहीं लिखी गई है, उसमें बस सिंपल इंजरी लिखी गई है। दो कंट्यूजन है, एक लेसरेशन है, एक स्वेलिंग लिखी गई है। अभी हमारी बात भी हुई है तो डॉक्टर साहब ये कह रहे थे कि थोड़ा भीड़ की वजह से, क्योंकि दोनों पक्ष थे वहाँ पर, इसलिए उनको डिस्टर्बेंस हो रहा था, तो वो अपना रूम में जाके बना लिख रहे। क्या इलीगल है कि रेस्ट रूम में मेडिकल बनाया जाए? अब देखिए ये है कि अगर दोनों साइड से लोग एक ही जगह आ जाएंगे, ज़्यादा भीड़ भाड़ करेंगे, क्योंकि मेडिको लीगल में बिल्कुल सटीक चीज़ें लिखनी होती हैं और वो भी बिल्कुल क्लियर, क्योंकि जज साहब के सामने उस पर वकील साहब भी होते हैं, वहाँ जवाब भी देना होता है उनको, तो अगर कोई भी वर्ड मिस्टेक हो जाता है तो वो मेडिको लीगल उन्हीं के लिए दिक्कत पैदा कर देती है, इसलिए थोड़ा सा एकांत रहे तो ठीक रहता। और वीडियो में एक चीज़ और देखा जा रहा है, जब वो आदमी इल्ज़ाम लगा रहे डॉक्टर साहब के पास, तो कुछ डिनाई नहीं कर रहे, कुछ बोल भी नहीं रहे। डॉक्टर साहब से अभी बात हुई है तो उन्होंने यही कहा है कि हम लिखने में व्यस्त थे, उधर से क्या आवाज़ आ रही है या कौन वीडियो बना रहा है इसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं है, बाकी डॉक्टर साहब से हम बात कर लेंगे, आप लोग भी बदतर मिल सकते हैं डॉक्टर साहब जी। हो रहा है जिसमें एक मरीज का जो तीमारदार है वो आरोप लगा रहा है कि आप 20,000 रुपये लेके मेडिकल बना रहे हैं, क्या सच्चाई है इसमें? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी। तो एक मरीज थे, चार मरीज थे, चारों को चोट लगी थी, जिसका जो चोट लगा था वही हमने क्यों लिखा है, और ऐसा कोई पैसे की बात नहीं थी। ये बताइए, जब वो पैसे की बात कर रहा है तो अगर आप पैसे नहीं ले रहे हैं तो आप डिनाई क्यों नहीं कर रहे? बोले सुने नहीं, बोले बोलते ऐसी बात थी, जितना है उतनी में कर रहा हूँ, ऐसी फर्जी वाली बात नहीं। अच्छा, दूसरा एक चीज़ और पूछना था, यहाँ के जो चार्ज में CMS हैं उनका कहना है कि आपने सिंपल मेडिकल बनाया है जिसमें आपने रेफर टू एक्सरे नहीं किया है, जबकि आपका कहना है, कल मेरी आपसे बात हुई तो आपका कहना है कि आपने रेफर टू एक्सरे किया है, ये कॉम्प्लिकेशन क्यों? जहाँ चोट है हमने तो जहाँ तक लिखा है, अब वो जो है देखे ना, हमें भी समस्या हमने भी लिखे, वो तो देख के वो देख के बताए या तो पढ़ नहीं पाया, मेरा राइटिंग बहुत खराब है। अच्छा, ये डॉक्टर की माँ डॉक्टर नहीं पढ़ पा रहा है, बहुत खराब है। जब डॉक्टर नहीं पढ़ पाएगा तो वहाँ पे कोर्ट में कैसे साबित हो जाएगा? अच्छा, तीसरी चीज़ ये बताइए डॉक्टर साहब, रात में मेडिकल बनाना, रेस्ट रूम में बनाना, इतनी कौन सी इमरजेंसी आ पड़ी थी जो आप रात में बनाने लगे? वो एक घंटे से लोग आए हुए थे, 7 बज रहा था और जो वहाँ पे इमरजेंसी बहुत भीड़ लगी थी, इमरजेंसी में जब भीड़ थी तो आपको इमरजेंसी अटेंड करना चाहिए कि मेडिकल बनाना चाहिए? सब करके तो हम जो है तब उसको जब कर लिए तो भीड़ खत्म हो गई होगी, इमरजेंसी तुरंत कंट्रोल होने वाली चीज है कि आप रेस्ट रूम में चले आए? कंट्रोल की सब दवा लग गया था, आराम हो गया तब हम वहाँ से। अच्छा, तो क्या ऐसा संभव होता है क्या कि इमरजेंसी में मरीज हैं, आप रेस्ट रूम में चले आराम से मेडिकल बनाए? अच्छा, ये बहुत जरूरी काम है इमरजेंसी मरीजों को देखने के अलावा? जरूरी नहीं है, मतलब कब से लोग बड़े थे, 6 बजे से बैठे हुए थे, 7 बज गया था, 8 बजने वाला था,
आपको क्या नहीं लगता कि आपकी जिम्मेदारी ज्यादा इमरजेंसी मरीजों को देखने के तुलना में मेडिकल बनाने की कम होती है? ड्यूटी ब्लड बैंक है, हम वहाँ जाके लगे हैं, तो इसलिए लगे हैं कि आपको समस्या ना हो। लेकिन आरोप तो ये लग रहा है कि आपका ड्यूटी ब्लड बैंक में लगा है, आप इमरजेंसी में भी हैं, इमरजेंसी में लापरवाही बरत के 20,000 रुपए लेके मेडिकल बना रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, वहाँ ड्यूटी लगी तो वहाँ गए थे बस, ऐसे यहाँ ड्यूटी नहीं थी, यहाँ संडे था, ठीक संडे वहाँ ड्यूटी थी।